गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं कहीं जा रही हूँ और अभी सुबह के 5 बजे है। और आप लोगों को नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो देखनी है और अभी मैं बहुत नींद में हूँ। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं एकदम रेडी हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और बस हम निकलने ही वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूँ तो टाइम हो रहा है 5:35, तो बस हम अभी निकलेंगे और आगे देखते रहिए पूरी वीडियो कि क्या क्या आज आप लोगों को दिखने वाला है। और मे बी ये जो वीडियो है ये पार्ट्स में आए, लाइक day 1, day 2, day 3 करके, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वरुण हाय बोल दो। तो आपने देख लिया होगा वीडियो में कि हम कहाँ हैं। हम उत्तराखंड में हैं। और ये कौन सी जगह है? सोनी। हाँ, यहाँ पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम इन कैंप में रुके थे। ये काफ़ी डर लग रहा था रात को, लेकिन अभी वेदर वगैरह बहुत अच्छा है। आपको जितना दिखा सकती हूँ मैं उतना। ये मतलब पूरा जंगल है और जंगलों के बीच में ये कैंप वगैरह बनाए गए हैं। और मतलब रात को काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन बाकी ठंड बहुत है। अभी मैं व्लॉग करने के लिए मैंने शायद ये शॉल लिया हुआ है, लेकिन ठंड बहुत है, हमें पता नहीं था इतना, तो हम इतने कपड़े लाए नहीं साथ में रख के। और मैं यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आई हूँ, तो और वरुण को मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने बोला था अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग बनाना। तो बाकी हम अपने मम्मी पापा के साथ आए हैं, मतलब इन लॉज के साथ आई हूँ मैं। और आप देखिए, अगर आप नहीं आए कभी उत्तराखंड या इधर घूमने नहीं आए इस तरफ, तो ज़रूर आना। और हमारा तो ये ऐसा कुछ था नहीं कि हमने रुकना था कैंप में, वो एकदम से कुछ मतलब सिचुएशन ऐसी बनी कि हमने रुकना पड़ा यहाँ पे, हम तो रुके। तो यहाँ पे है 8 कैंप लगे हुए हैं, बाकी वॉशरूम वगैरह सब कुछ अलग दिया हुआ है। वेदर बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा एरिया नीचे की तरफ को है यहाँ पे घर वगैरह, तो वहाँ पे धूप वगैरह इतनी नहीं आती है, तो बहुत ठंड है। और अभी मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग बना लूँ, अब उठ गए थे हम, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि कल की वीडियो में कहीं भी मैं नहीं थी, क्योंकि इतने टायर्ड हो गए थे, इतने हो गए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा फ्रेम लैप्स में दिखा दिया। और शादी अटेंड करनी थी तो ज़्यादा हम उस तरफ को नैनीताल या भीमताल की तरफ को नहीं गए, तो उतना मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट कोई नहीं, जहाँ पे हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और थोड़ा सा व्यू और दिखा दूँ, ये कुछ यहाँ पानी वगैरह है, बेंच लगा हुआ है, ये सब चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे एक है, अगर आप पीस चाहते हैं और फ़ोन से दूर होना चाहते हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन मिल ही नहीं रहा है, नेटवर्क आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अच्छी बात भी है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, शांति में है ये वो, बाकी फिर ये भी लग रहा है कि कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है फैमिली से अच्छी तरह। तो पर अगर आप लोग अगर आना चाहते हैं, मतलब 1 वीक का टूर बना रहे हैं, क्योंकि हम तो जस्ट फॉर 2-3 डेज़ आए हैं, हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए हैं, तो लेकिन यहाँ अगर आप रुके, मतलब मैं कल रुकने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं रुक सकती हूँ एक बार और। वरुण, मैं एक बारी और रुक सकती हूँ, क्योंकि मेरा कल का डर निकल गया है।
तो अभी मुझे रेडी होना है बिकॉज़ हल्दी का फंक्शन है, तो अभी इसको वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ. वरुण, कुछ मेरे चैनल के लिए आप बोलना चाहोगे? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब, और उस बेल आइकन को भी आपने ज़रूर क्लिक करना है जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे. बाकी मैं आगे आपको और चीज़ें दिखाती हूँ. क्या पता थोड़ा सा जो शादी है उसकी भी थोड़ी सी कवरेज ले लेंगे. थोड़ा सा उसका भी मैं आपको दिखाऊंगी अगर पॉसिबल हुआ. बाकी आगे अगर कहीं और जाते, शायद यहाँ पे एक मंदिर भी है बिनसर महादेव, वहाँ भी हम जाएंगे, तो वहाँ भी थोड़ा सा जितना पॉसिबल होगा उतना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय. तो आई एम रेडी, हल्दी फंक्शन है उसमें जाना है, और मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था, लाइनर लिपस्टिक वगैरह लगा ली. और अब हम आ गए बिनसर महादेव, ये इसका एंट्री गेट है. तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि अंदर जा रहे हैं हम. ये है एंट्री गेट में, ये भी एक मंदिर है, गणेश मंदिर लिखा हुआ है. अंदर चलते हैं. शिवजी का बागवान सची फूल फूलिया छना, अरे फूल फूलिया छना, हाँ फूल फूलिया छना. पापा है, मेरा ब्लॉग बन रहा है पापा. हाय. किसको भेज रहा है? भेज नहीं रहा, मेरी वीडियो बन रही है, बाद में अपलोड होगी. अच्छा, तो इसका आया मंदिर की कोई हिस्ट्री है इस मंदिर की? क्या है वो वहां से लिखी है जी ना, पढ़ के इसको पढ़ते रहो जी. मैं हाथ मधारियो जाते रो रेशमी रो वाला सचे मुंड मधारियो जाते रो घासी को गाड़ो. हमने और पिताजी ने आके कई बार यहाँ पे चाय पी रखी है. महाराज यहीं बैठा करते थे, और यहीं की बनी है ये. मतलब बचपन में जब हम थे, मतलब मुश्किल से मैं 6 में पढ़ता था, तब से मेरे को ध्यान है कि यहाँ पे ना महाराज बैठा करते थे, और वो एक लोटे में है. मतलब मेरे को बचपन में इतना याद है, महाराज जी इसी में यहाँ गर्म करते थे उस चाय को, यहाँ गर्म थे. और 8 आदमी 10 आदमी जितने होते थे, और सब में पूरी होती थी वो. मैंने कई बार अपने फादर से पूछा, मैंने कहा पिताजी ये चाय तो इतनी सीधी कैसे होगी? बोले यही वो है, यही खासियत थी महाराज की. खासियत यही है कि महाराज किसी को पड़ जाएगा, मतलब सबको पूरा हो जाएगा. महाराज जो है वो जो ये हमने अपने आंखों से देखा है. उड़ने डूबे गाय रे चैता की चैतवाले.